बड़ी खबर सामने आ रही चतरा से, जहां भाकपा माओवादी संगठन का सब जोनल कमांडर गिरफ्तार हुआ है। बबन भोक्ता को चतरा गया सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से पुलिस को बबन भोक्ता की तलाश थी। ये बड़ी खबर सामने आ रही चतरा से, बबन भोक्ता को चतरा गया सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। और आपको बताएं कि माओवादी यानी कि भाकपा संगठन माओवादी का सब जोनल है। लंबे समय से पुलिस को बबन भोक्ता की तलाश थी और अब ये बड़ी सफलता पुलिस को, चतरा पुलिस को ये बड़ी सफलता। भाकपा माओवादी संगठन का सब जोनल कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर यह भी कहा गया कि बबन भोक्ता को चतरा गया सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही आपको बताएं कि पुलिस को लंबे समय से बबन भोक्ता की तलाश थी। भाकपा माओवादी संगठन का सब जोनल कमांडर गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर सामने आ रही है चतरा से, लगातार माओवादियों के खिलाफ पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। और ऐसे में बबन भोक्ता को चतरा गया सीमावर्ती से गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ चतरा से संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए भाकपा माओवादी संगठन का सब जोनल को गिरफ्तार कर लिया गया है, बड़ी अपडेट सामने आ रही है फिलहाल, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए चतरा एसपी के लिए बड़ी कामयाबी है, ये लगा करके करीब लगता है कि 14 से 15 जो नक्सली थे, नक्सली को चतरा पुलिस के द्वारा सरेंडर किया गया है या आत्मसमर्पण करवाया गया है। और इसी के करीब में जब चतरा जो प्रतापपुर पुलिस जब निकली थी छापामारी अभियान में, तो उसी समय जो है नक्सली के द्वारा बम लगा दिया गया था, लेकिन जो निरोधक दस्ता थे उसे डिफ्यूट कर दिया गया है। और उसी कड़ी में जो है नक्सली छापामारी अभियान के दौरान जो है सब जोनल कमांडर बबन भोक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद जो है अभी पूछताछ जारी है, लेकिन चतरा एसपी से जब हमने बात किया तो उन्होंने ये जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन इतना बताया कि नक्सली जो सब जोनल कमांडर वो पकड़ा गया है, लेकिन कौन पकड़ा इसकी जानकारी दिए नहीं थे। लेकिन उनके साथ साथ हम बता दें कि जो हम लोग को गुप्त सूचना मिला कि भारी मात्रा में गोली और हथियार भी बरामद किया गया है नक्सली के द्वारा, पुलिस के द्वारा। और उसके बाद जो है आज चतरा एसपी हो सकता है कि 1 बजे से कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी बिल्कुल संजय, तो चलिए खबर पर नजर बनाए रखिएगा और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाइएगा। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।